नमस्कार दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट की पेपर वन के साथ साथ एडुकेशन सब्जेक्ट के लेके। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की पेपर टू एडुकेशन सब्जेक्ट से नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एडुकेशन 2009। नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क पर टीचर एजुकेशन 2009 में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमारी यूजीसी नेट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस जो टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें व्हाई क्यू नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 है, हुम ये किसके लिए है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, इन सब बातों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं व्हाई नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। तो व्हाई के इस आंसर में पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो है नंबर वन में अपडेटिंग नेशनल काउंसिल्स फॉर एजुकेशन टीचर एजुकेशन सेट अंडर द नेशनल Council for Teacher Education Act 1993 in 1995। ये जो National Curricul National Council for Teacher Education जो था, जो है इसकी अपडेट के लिए, इसकी जो प्रोसीजर्स है टीचर एजुकेशन के लिए, इसे अपडेट करने के लिए इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 को फॉर्म किया गया है। तो इसका पहला जो मकसद है ये क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है इसकी अपडेट वर्जन लाने के लिए, इसे अपडेट करने के लिए। ये जो अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है हमारी एग्जाम में, ये हो सकते हैं नेशनल कारिकुलम फ्रेम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है इसको किस एक्ट के तहत बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट, ये 1993 में इस एक्ट हुआ है, लेकिन इसे इन्फोर्स किया गया है 1995 में। सो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नंबर टू जो है, इसमें देखिए फ्रेंड्स, तो एनकरेज मास व्यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन टीचर एजुकेशन। यहाँ नंबर टू में जो मकसद है, जो इंटेंशन है नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 की, जो नंबर टू सेकेंड जो इम्पोर्टेंस है, इसमें क्या है, मास पीपल का, मास ऑर्गेनाइजेशन का, जो स्टेक होल्डर्स है इनकी क्या चाहिए, इनके व्यूज को इसमें इनवाइट किया है नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में। इन सभी को जो व्यू है, इन सभी का जो व्यू है, इसे इनवाइट की गई है। क्योंकि क्यों इनवाइट की गई है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव जो गुण संपन्न जो टीचर एजुकेशन है इसे लाने के लिए, इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव संख्यात्मक जो नंबर्स के लार्ज नंबर्स ऑफ टीचर को एजुकेशन देने के लिए क्या कुछ प्रोसीज्यूर होगा, सबसे अच्छा क्या होगा, इसे ढूंढने के लिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या है, कॉमन पीपल से, स्टेक होल्डर से, स्कॉलर से, यहाँ व्यूज, उन सभी को व्यूज को यहाँ एनकरेज की गई है। तो ये फ्रेंड्स दो पॉइंट आप सभी को शायद समझ में आया होगा। पहला क्यों है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है इसे अपग्रेड करने के लिए, इसे मॉडर्न टाइम के इसे और भी लेटेस्ट करने के लिए ऐसे नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 को लाया गया है। इसके साथ साथ अब जो मॉडर्न अब जो अपग्रेड होगा उसमें क्या होगा, मास स्टेक होल्डर्स जो है, स्कॉलर्स जो है, उनका व्यूज को भी इसमें रखने की प्रावधान की गई है। तो ये था क्यों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 को फॉर्म किया गया है, इसके बारे में हम बात की है। अब देखिए फ्रेंड्स,
फॉर हुम, ये जो नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क है ये किन लोगों के लिए ये इम्प्लीमेंट की गई है, ये जो प्रपोजल है इसे फॉर्म की गई है। ये फ्रेंड्स देखिए, ये तो कारिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एडुकेशन, यहाँ से पता चलते हैं कि जो यहाँ नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क जो है ये टीचर एडुकेशन के लिए 2009 जो है ये टीचर एडुकेशन के लिए फॉर्म की गई है। तो अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि किन लेवल की टीचर एडुकेशन के बात यहाँ किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो टीचर एडुकेशन की बात की जाती है ये है स्कूल का जो टीचर है, टीचर्स है स्कूल, जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरल एंड पोस्ट डॉक्टरल जो टीचर है, प्रोफेसर से उनकी जो एडुकेशन है उनको डेवलप करने के लिए ये कारिकुलम फॉर्म की गई है। तो फ्रेंड्स ये समझ में आया। अब बात करते हैं व्हेन, यहाँ जो है ये थोड़ा इससे बाहर है लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो मैंने इसे आपके लिए रखा है। व्हेन ये एक क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एडुकेशन इंट्रोड्यूस्ड, इसका आंसर होगा फर्स्ट कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एडुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1998। ये पहला 1998 में इंट्रोड्यूस किया है, ये इससे इंट्रोड्यूस किया है NCERT ने 1998 में। इसका नाम ही था फ्रेंड्स फर्स्ट कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एडुकेशन। सो ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन ये पहले वाली का जो पहले जो था इसके क्वेश्चन है। तो अब हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन ये कब फॉर्म हुआ, ये है 2009 में फॉर्म हुआ। तो अब बात करते हैं हाउ नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2000 हेल्प द टीचर्स, टीचर्स को जो टीचर्स को कैसे हेल्प करेगा इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें 3 स्टेप्स है इनकी जो हेल्प करेगा, जो टीचर्स की एडुकेशन को इम्प्रूव करेगा, इसके लिए इन्होंने 3 स्टेप रखा है। पहले जो है क्या प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एडुकेशन, टीचर एडुकेशन जो है हमारे देश में इससे प्रोफेशनलाइजेशन करना चाहिए, इसे प्रोफेशन टीचर एडुकेशन एक प्रोफेशनल एडुकेशन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रोफेशनल एडुकेशन क्या है, प्रोफेशनलाइजेशन क्या है, ये भी एक डिस्कस करने की बात है। तो प्रोफेशनलाइजेशन जब हम बोलेंगे प्रोफेशनलाइजेशन, प्रोफेशन जब होगा तो प्रोफेशन में फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, इसमें एक प्रोसेस होगा, एक कारिकुलर बेस्ड प्रोसेस होगा जिसमें एक रेगुलर ट्रेनिंग होगा, जो ट्रेनिंग सबके लिए क्या है इक्वल होगा। इसमें एथिक्स होगा, जो प्रोफेशन में है इनका एक एथिक्स होगा। नंबर 3 में क्या है, इसकी जो लर्निंग लेवल है प्रोफेशन में जो जितने लोग हैं आप अपनी जो स्किल्स है इसे अपडेट करने का जो प्रयास है वो जारी रहेगा। सो यहाँ पहला जो बात है नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, इसकी पहले जो कैसे काम करेगा वो वर्किंग प्रोसेस होगा क्या, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन को कंप्लीटली प्रोफेशनल करना है। ये नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 के एक इम्पॉर्टेंट मकसद है। तो आप बात करते हैं नंबर 2 जो है प्रिपेयर टीचर एडुकेटर। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है टीचर एडुकेशन का, अगर हम प्रोफेशनल करना चाहता है, टीचर्स को टीचिंग देना चाहता है, प्रोफेशनल टीचिंग देना चाहता है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स यहाँ एक के जो टीचर एडुकेटर की बहुत ही जरूरत है, जो टीचर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देगा उस लेवल की टीचर्स की बहुत ही जरूरत
होगा। सो यहाँ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में कहता है क्या, यहाँ प्रिपरेशन करना है किनको, जो टीचर एजुकेशन उनको देगा, यानी टीचर एडुकेटर को भी यहाँ ट्रेनिंग देने की, टीचर एडुकेटर फॉर्म करने की बात की जाती है। आप बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, क्यों इसे बनाया गया है, इसमें क्या है, प्रोसेस में आता है क्या, ODL सिस्टम, ODL लर्निंग इन टीचर एडुकेशन, टीचर एडुकेशन में ODL सिस्टम को लाना है। ODL मीन्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को इसमें इंक्लूड करना है। तो कैसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को इंक्लूड करना है, जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे डाइट से, इग्नो से, इसके द्वारा क्या है, DL-ED कोर्स को इम्प्लीमेंट की गई है और BED कोर्स को इम्प्लीमेंट की गई है। इससे जो टीचर एडुकेशन जो है, इससे स्पेशली जहाँ इन सर्विस टीचर की ट्रेनिंग की बात होती है, जहाँ टीचर अपने आप को एंगेज कर रखा है किस इंस्टीट्यूट के साथ, किस स्कूल के साथ, वहाँ टीचर को जाके पढ़ाई करना, जाके अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स लेना, यह ये बहुत ही दिक्कत हो सकता है। सो इसमें क्या है, एम रखा है कि जो टीचर्स अपने प्रोफेशन में है, इनकी जो ट्रेनिंग है ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में होगा। तो यहाँ इग्नो की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो यहाँ डायट्स की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने कोर्स के द्वारा DL-ED BED ऐसे कोर्स के द्वारा जो लर्नर्स हैं इससे सफिशियंट ट्रेनिंग देते हैं, यानी टीचर एडुकेटर्स को, टीचर लर्नर को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है अपने प्रोफेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एडुकेशन 2009 क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, कब एंड इसकी जो एक्टिविटी है वो कैसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ बात करेंगे कोर पर्पस क्या है इनकी। कोर पर्पस, कोर पर्पस की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए कोर पर्पस में क्या है, कॉन्टेक्स्ट, विजन ऑफ इसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट होंगे, विजन ऑफ टीचर एडुकेशन, कॉन्टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, किन चीजों को टीचर एडुकेशन के लिए, क्या क्या चीज को टीचर एडुकेशन के, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर टीचर एडुकेशन के लिए रखा जाएगा, क्या प्रोफेशनलिज्म को, टीचर के प्रोफेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए क्या चीज जरूरत है, इसे कॉन्टेक्स्ट में रखा जाएगा। विजन ऑफ टीचर एडुकेशन क्या होगा, ये टीचर एडुकेशन लेके सामने जाके क्या करेगा, इन सब जो चीजें है इसको इसमें रखा गया है। करिकुलर एरिया ऑफ इनिशियल टीचर एडुकेशन, यहाँ करिकुलर एरिया जो है इसमें सब्जेक्ट टीचिंग पेडागोजी होगा, क्या है, टीचिंग पेडागोजी होगा, कैसे टीचिंग कराना चाहिए, ये सब बात इसमें आ जाएगा। इवैल्यूएटिंग द डेवलपिंग ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग टीचर एडुकेशन को दी गई है इसकी कैसे इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएशन के बारे में भी इसमें डिस्कस की गई है। साथ साथ क्या है फ्रेंड्स, इसे इन सर्विस टीचर एडुकेशन और प्री सर्विस टीचर एडुकेशन जो है इसके इसके अंदर एक क्लियर जो डिफरेंसेस है इसे
दिखाई गई है जो प्री सर्विस टीचर एडुकेशन में जो है टीचिंग प्रोफेशन में जो नहीं आया अब तक, लेकिन उनकी टीचिंग प्रोफेशन में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, उन लोगों के लिए प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो है इससे रखा गया है। और जो लोग ऑलरेडी टीचिंग सर्विस में है जिनकी क्वालिटीज डेवलप करने के लिए, जिसे प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए जो ट्रेनिंग है, ये है क्या इन सर्विस टीचर एडुकेशन में आते हैं। तो इसमें जो टीचर एडुकेशन के जो फीचर्स होंगे, यह क्या है, सोशल पर्सनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। क्या है फ्रेंड्स, इस टीचिंग मेथोडोलॉजी में, टीचिंग प्रोसेस में क्या है, सोशल एंड पर्सनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन। पर्सनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन जो है, सोशल एंड पर्सनल नीड्स, चिल्ड्रेन की जो लर्निंग है ये होगा सोशल एंड पर्सनल, उनकी सोशल एंड पर्सनल नीड्स के ऊपर। सो उनका लर्नर्स का, जो चिल्ड्रेंस का, जिसे टीचर यहाँ प्रोफेशनल जो कोर्सेस करके जाके क्या सिखाएंगे, ये सोशल एंड पर्सनल नीड्स को, चिल्ड्रेंस का सोशल एंड पर्सनल नीड्स को फुलफिल करता है कि नहीं, ये फुलफिल करने के लिए जो प्रयास है इसमें, ये टीचर एडुकेशन में इसकी सिस्टम्स को रखा गया था। अब जो है क्या है, नेक्स्ट में आता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो लर्निंग होगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे अब जो एडुकेशन सिस्टम है ये क्या है, ये सबके लेके चलने का जो मेथड है, किसी को हम डिजेबिलिटी की दौर पे हम इसे स्कूल से बाहर नहीं रख सकते हैं, ये इंक्लूसिव एडुकेशन है। सो यहाँ क्या है, सभी बच्चों को एक क्लास में बैठा के कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रन करना है, टीचर के ये भी सिखाए जाते हैं कि इसमें जो टीचर है ये स्टूडेंट के अंदर एक बेहतर कोऑपरेटिव माइंड्स फील कर ग्रो अप कराना है, इसको कैसे कराना है, इनकी जो ट्रेनिंग है ये भी यहाँ नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एडुकेशन पे इसके लिए भी बातचीत की गई है। चेंजिंग एमर्जिंग नीड्स ऑफ द स्कूल, स्कूल्स की जो नीड है, स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो नीड्स है, ये भी आजकल फ्रेंड्स बहुत ही चेंज हो गया। तो अभी जो टाइम है, इस टाइम में चेंजिंग सिनेरियो में कैसे एक टीचर आपकी चेंजिंग नीड्स को, अपने स्कूल्स की जो नीड्स है इसे कैसे पूरा करना है, ये सब बात नेशनल कारिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में इस सब बात के डिटेल्स में बातचीत की गई है। सो फ्रेंड्स आज के डिस्कशंस इतना ही है। नेशनल कारिकुलम फ्रेमवर्क से अगर क्वेश्चन बने तो जो बातें, जो टॉपिक से हम डिस्कस करने की कोशिश की है, शायद यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा और आपको आंसर करने का बहुत ही सुनहरा मौका होगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को और देखा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।